बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो फिर से ज़िलों के रिलेटेड है। ज़िलों में FSBO के फ़िल्टर कैसे लगाना है और डाटा आपने जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कैसे करना है, उसके रिलेटेड मैं बना रहा हूँ वीडियो। और वीडियो पूरी देखेंगे तो भाई फ़ायदा होने वाला है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। आप लोग वीडियो जो लोग नहीं देखते भाई, अगर ट्रेनिंग लेनी है, कोई काम सीखना है, कोई स्किल सीखनी है, तो काइंडली वीडियो पूरी देखो, तभी आपका फ़ायदा होगा। आपको तभी समझ आएगी कि भाई क्या मैंने किया, क्या करके दिखाया, क्या काम था, क्या चीज़ थी। या अगर मैं कोई चीज़ बोल के ही बता रहा हूँ तो भाई वो काम की है, उसमें कोई आपको घाटा नहीं होगा, ठीक है ना। किसी की कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा होता, जो काम हम खुद करते हैं मैं उसी की सिर्फ वीडियोज़ बनाता हूँ। तो बहुत से लोग कर भी रहे हैं, मेरे कई दोस्त हैं, शागिर्द हैं, भाई हैं, जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा, लोगों की जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो मैंने स्टार्ट करना है, मैं इंशाल्लाह लाजमी करूंगा। तो दूसरी बात, अगर नए आए हो चैनल पे, चैनल भाई सब्सक्राइब करते जाओ, ट्रेनिंग्स लो, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को जो है ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जितनी वीडियोज़ मेरी अपलोड होती है फिर वो आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जी कि काम कैसे करना है ज़िलों का, आ जाए। अच्छा, मैंने ज़िलों खोल लिया, ठीक है। ज़िलों खोलने के बाद अब हमने आज निकालने FSBO। FSBO क्या होता है? FSBO पे मैंने बनाई कि फॉर सेल बाय ओनर लिस्टिंग, जो उनको FSBO कहते हैं, या FSBO लीड्स भी कहा जाता है, ठीक हो गया। ओक्लाहोमा सिटी मैंने सेलेक्ट किया था, अब हम फिल्टर लगाने जा रहे हैं, ठीक है। फॉर सेल वाले पे ओपन करेंगे, यहाँ ऑप्शन होते हैं बाय एजेंट, बाय ओनर, न्यू कंस्ट्रक्शन, कमिंग सून, ऑक्शन, फॉर क्लोजर, फॉर क्लोज, प्री फॉर क्लोजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब को अनचेक कर देना, सब बॉक्सेस को, ठीक है। आपने सिर्फ रखना है बाय ओनर, ओनली बाय ओनर, ठीक है। हमारे पास बाय ओनर हमें चाहिए, बाय ओनर वाली चाहिए ना, हमने सिर्फ FSBO निकालनी है। तो ऊपर देखना है FS फॉर सेल बाय ओनर, FSBO बन गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई, एक वेबसाइट भी है FSBO.com, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। ये और ये है FSBO ज़िलों का हम निकाल रहे हैं। अब एक तो हमने ये फ़िल्टर लगा दिया कि हमें FSBO चाहिए, दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, हम फिल्टर यहाँ पर लगा देते हैं प्राइस रेंज का भी। अगर हमें प्राइस रेंज क्लाइंट ने कहा होगा कि इस प्राइस रेंज से इस प्राइस रेंज में मुझे चाहिए, तो हम वो भी लगा देंगे, ठीक हो गया। अब इस सिटी में FSBO की वैसे कोई अवेलेबल है नहीं, ये आपके सामने कोई चीज़ भी नहीं आ रही, जीरो एजेंट लिस्टिंग, सॉरी एजेंट लिस्टिंग आ गई, हाँ ये कौन सी है, FSBO आ गई, ठीक है। फॉर सेल बाय ओनर 57 अदर लिस्टिंग्स, हम इसमें प्राइसेस कम कर सकते हैं, प्राइस हमने 0 to 500 के, ठीक है, 52 हैं। बेड बाथ, जैसे लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि फ़िल्टर कैसे लगाते हैं बेडरूम बाथरूम के, हम ये भी लगा सकते हैं, हम ये हाउसेज के लगा सकते हैं कि इनको किस तरह से लगाना है, ठीक है। हमने सिर्फ सिंगल फैमिली लगाते हैं, 38 लिस्टिंग रहेगी, ठीक है ना, जो सिंगल फैमिली के आ गए, इतना कि सिर्फ लगा के इसको चेक करेंगे। बाकी मैंने सारे फिल्टर्स बताए हुए, इंशाल्लाह पिछली वीडियो में आप लोग देख लोगे, नहीं तो ऐसे लंबी हो जाएगी यार वीडियो, लंबी नहीं करनी चाहिए वीडियो, ठीक है। एक चीज़ ये होगी, अब क्या हम कर रहे हैं, अब मैं आपको आज थोड़ा सा साथ बता रहा हूँ कि हमने एक्सेल में इसको कैसे निकालना है। हालांकि मैं वीडियोज़ हैं मेरी इस चीज़ के ऊपर, एक्सेल की फॉर्मेटिंग हम कैसे करते होते हैं, लेकिन फिर भी आज मैं दोबारा से आप दोस्तों भाई के साथ जो थोड़ा शेयर करूँगा, ताकि आपको अच्छी तरह से जो है आइडिया हो जाए। अब यहाँ पर क्या एड्रेस, ठीक है, एड्रेस के बाद सिटी स्टेट जिप, और सिटी स्टेट जिप ये तो एड्रेस का हो गया, ठीक है। और लिस्टिंग प्राइस हो गई, इसके बाद क्या चीज़ होती है, SQFT स्क्वेयर फुटेज हो गई, ठीक है। बेड हो गया, बाथ हो गया, और क्या चीज़ आएगी वहाँ पर, जेस्टिमेट, अगर आपको क्लाइंट ने कहा होगा जेस्टिमेट चाहिए तो आप उसको भी निकालेंगे, या आप लिस्टिंग टाइप भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको उसमें क्लाइंट ने दो तीन चीज़ें बताई हैं कि आपने मुझे FSBO भी निकाल के देनी है, एजेंट वाले भी निकाल के देनी है, तो आप लिस्टिंग टाइप यहाँ पे कॉलम जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब लिस्टिंग प्राइस आ गया, जेस्टिमेट का भी लिख देते हैं, जेस्टिमेट, ठीक हो गया। ये हमारी शीट बन गई, शीट बनने के बाद हमने जी ये निकाल लिया। एक चीज़ और है, डेज ऑन ज़िलो, ये अक्सर क्लाइंट मांग लेता है कि जी डेज ऑन ज़िलो जो है वो भी आप हमें दोगे, डेज ऑन ज़िलो कितने उसके वहाँ पर। अच्छा, इसकी प्राइस इंक्रीजेज 2.7K, इसने बढ़ाई है भाई प्राइस, इसने काम शाम करवाया होगा ना, ठीक है। अब ये स्ट्रीट एड्रेस मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, एड्रेस में हमेशा स्ट्रीट एड्रेस ही निकलता होता है, आप यही निकाला करें, ओक्लाहोमा सिटी, ठीक है। यहाँ से इसको कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, इसको लीड जनरेशन भी भाई कहते हैं, ये मैं लीड जनरेशन एक किस्म कर रहा हूँ, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट बिल्डिंग हो रही है, क्लाइंट को जो जिस क्राइटेरिया पे प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे चाहिए होती हैं मैं वो चीज़ें निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसको लीड जनरेशन भी कहा जाता है, मैनुअल लीड जनरेशन है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या है, 184,660, ये हमने लिस्टिंग प्राइस में डाल दिया, ठीक है। कॉलम थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ,
ताकि इजीली समझ आ जाए। स्केयर फुटेज कितना है, 1320 है, ठीक है, 1320, इसको यहाँ पे मैंने डाल दिया। और बेडरूम बाथरूम कितने हैं, 3x2 बाथ है, वो कॉपी पेस्ट क्या करना है यार, यहाँ से 3, यहाँ से 2, ठीक है। और यहाँ पे डाला हमने जेस्टिमेट, ठीक है। अब जेस्टिमेट डालने के लिए ये हमारे पास जेस्टिमेट सारा आया हुआ है, 162 134 इसका जो है ना जेस्टिमेट है, तो इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। सिंपल इसका निकालने का तरीका क्या है कि आपने ये चीज़ें निकाल दी हैं, ये आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको कि आप लोग यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, लिस्टिंग प्राइस, स्क्वायर फुटेज, बेड, बाथ, एस्टीमेट और डेज ऑन जिलो भी हम कर देते हैं, डेज ऑन जिलो, ठीक है, डेज ऑन जिलो कर दिया। डेज ऑन जिलो करने के बाद यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ डेज ऑन जिलो कितने आ रहे थे। अभी इसका टाइम हुआ सिर्फ 17 आवर्स में, तो वन डे हम इसका जो है वो सिर्फ डाल देंगे, तो वन डे ऑन जिलो, ठीक है। सिंपल इस तरह से आपने लिस्ट बिल्डिंग करनी है, इसी तरह से आप बाकी भी निकालते जाएं। मैंने ये एक प्रॉपर्टी निकाल ली है, उसका अपने क्राइटेरिया बता दिया कि किस तरह से उसको यहाँ से हमने पुल करके इधर ला के डाल देना, ठीक हो गया। इस तरह से आगे प्रॉपर्टीज आप वन बाय वन इसको ओपन करते जाएंगे अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, जो जिस हिसाब से आपने निकाली है और जिस तरह से आपको क्लाइंट ने मांगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो आप निकालते जाएंगे। निकाल के सीधा सिंपली वहाँ शीट में लिस्ट बना के, लिस्ट बनाने के बाद आप लिस्ट सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्लाइंट को जब पोस्ट सेंड कर देंगे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो fsbo.com पे भी मैं बनाऊंगा कि वहाँ पे कैसे करनी लीड जनरेशन fsbo की, और दूसरी चीज़ रेंटल पे बनाएंगे कि जिलो पे जो रेंटल वाली निकालनी होती हैं, रेंट प्रॉपर्टीज, वो किस तरह से निकालनी है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।